सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसे जल्दी अपडेट्स में आपको वीडियोज़ मिलते रहें। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन 8 है, सपोज एक्स हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b6,1/2 so that x equal to 3 is the most likely outcome. तो ये b6,1/2 जो लिखा होता है वो रिप्रेजेंटेशन है n,p का, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल है 6 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो हम लिख सकते हैं फेलियर की प्रोबेबिलिटी q जो हो जाएगा वो -1 - 1/2 दैट इज वो भी 1/2। x equal to 3, 6 में से x equal to 3 is the most likely outcome. तो हमें क्या दिखाना है, x equal to 0, x equal to 1, इनमें से 3 वाले की probability सबसे ज़्यादा x equal to 6 तक करते हुए। चलिए 6 में से 0 success, 6 is 0, 1/2 का power is 0 and 1/2 का power, failure का power 6, this is 1, this is 1, यह आया 1/2 power 6, that is 1/64. ये है x इक्वल टू 0 वाले की प्रोबेबिलिटी। फिर आते हैं x इक्वल टू 1, एक सक्सेस, 6 में एक सक्सेस, 61, 1/2 power 1, फिर 1/2 power, दिस इज 5, 6 - 1, 61 इज 6 और नीचे है आपका 2 power 6 इज 64। ये है x इक्वल टू 1 वाले की प्रोबेबिलिटी। फिर आते हैं x इक्वल टू 2, तो दिस इज 62, 1/2 power 2 एंड 1/2 power, दिस इज 4। 62 को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 एंड 1/2 power 6 हो गया 64। तो फैक्टोरियल 4, 5 × 6, 30/2 इज 15 डिवाइडेड बाय 64। ये 2 वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर आते हैं x इक्वल टू 3 पे बात करने, तो x इक्वल टू 3 के लिए हम लिख सकते हैं 63, फिर 1/2 power 3, फिर 1/2 power, ये भी आएगा 3, 63 आपका फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 एंड 1/2 power 6 हो गया, तो ये आएगा आपका 4, 5, 6 और ये 3 फैक्टोरियल 6 काटा तो 20 डिवाइडेड बाय 64। चलिए 3 का हो गया। फिर सिमिलर वे में आता हूँ x इक्वल टू 4 की बात करनी है, तो x इक्वल टू 4 इज 64, फिर आपका 1/2 का power, ये हुआ 4 एंड 1/2 power हुआ 6, 64 आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1/64 और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 था 15, तो ये आया मेरा 15/64। x इक्वल टू 4 के बाद आता हूँ x इक्वल टू 5, 5 सक्सेस, 6 में से 5 सक्सेस के लिए हम बोलेंगे 65, 1/2 power 5, फिर 1/2 power 1, 65, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और ये है 1/64, फैक्टोरियल 5 इसे 6 से कटा इस 6/64 एंड आखिरी 6 के 6 सक्सेस, इसे लिख सकता हूँ 66, 1/2 power 6 एंड 1/2 power, दिस इज 0, 66, 6 factorial by 6 factorial 1 हो गया, दिस इज 1/64। इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी है 20/64, हेंस सो आपका 3 इज द x इक्वल टू 3 इज मोस्ट लाइकली, ठीक है, आउटकम, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाई गई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 8 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। 9 पे बात करने हैं, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग।
तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 5, जिसमें से 4 और मोर करेक्ट आंसर्स लाने हैं गेस करके। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस हैं आपके? 3। और सक्सेस कब आएगा? सक्सेस आएगा जब आपका आंसर है ना करेक्ट आए ना, करेक्ट आंसर बाय गेसिंग, गेस करके करेक्ट आए। तो गेस करके करेक्ट इज 1/3, 3 में से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है गेस करके। तो फेलियर हो जाएगा 1-1/3 विच इज 2/3। और यहाँ पे बोला गया है कि 5 क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गए एन इक्वल टू 5, पी क्यू पता है। तो यहाँ बोला गया आपको वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 5 में से 4 या 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा मतलब 5ों के 5 करेक्ट हो जाए। तो इसको अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जा सकता है आपका 5C4, फिर करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/3 पावर 4, फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 पावर 5-4 इज 1। सिमिलर वे में यहाँ पे बन के आया 5C5, फिर है 1/3 पावर 5, फिर 2/3 पावर, ये हो गया मेरा 0। 5C4 को लिखते हुए 5 factorial 4 factorial और नीचे है आपका 5-4 1 factorial इंटू डिनोमिनेटर में तो 3 पावर 5 और न्यूमरेटर में आपका 2 प्लस दिस इज 5 factorial by 5 factorial 5-5 factorial 0 factorial, ऊपर 1 आया और डिनोमिनेटर में आया 3 पावर 5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 3 पावर 5 बाहर निकाल लें, तो ये बचा आपका 5 × 2 = 10 और यहाँ पे बचा आपका 1, तो ये आया 11 / 3 पावर 4 = 81, तो ये आया 243। ये है करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस की फॉर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट सर। नंबर 10 पे अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 lotteries इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस एंड एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब हम कह रहे हैं कि उसने 50 lottery खरीदी, तो नंबर ऑफ ट्राइज हो गए 50, जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी विनिंग अ लॉटरी इज 1/100, तो मेरा फेलियर की प्रोबेबिलिटी इज 1-1/100 विच इज इक्वल टू 99/100। अब मुझे बोला गया एटलीस्ट एक बार तो वो लॉटरी जीते, एटलीस्ट एक बार मतलब 50 में से एक बार जीता, दो बार जीता, तीन बार जीता, ऐसे करते करते कितनी बार? 50 बार। अब इतना निकालना तो पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक और आएगा x इक्वल टू 0, उसको राइट साइड भेजेंगे, तो दिस इज 1-, एक बार भी लॉटरी ना जीते। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको लिखा जा सकता है आपका x इक्वल टू 0, तो 50 में 0 सक्सेस इज 50C0, सक्सेस दैट इज 1/100 का पावर इज 0 एंड फेलियर दैट इज 99/100 का पावर 50-0। तो 50C0 1, 1/100 का पावर 0 1, ये आया मेरा 1-, दिस इज 99/100 का पावर 50। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए एग्जैक्टली वंस, एक बार लॉटरी जीते 50 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हुए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 50C एक बार जीतना है 1, फिर सक्सेस का पावर इज आपका 1 और फेलियर दैट इज 99/100 का पावर क्या लिख सकता हूँ, 50-1 = 49। अब 50C1 तो मेरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इनटू मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपका नीचे आएगा 100 और फिर ये है आपका 99/100 का पावर, इसको लिख सकते हैं आप 49। तो ये हो गया 50/100 इज 1/2 इंटू यहाँ पड़ा है 99/100 का पावर 49। तो ये है आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एक बार सक्सेस। अब बात करते हैं एटलीस्ट 2 times सक्सेस, एटलीस्ट 2 times सक्सेस मतलब कम से कम 2 बार सक्सेस आए, 2 बार आए, 3 बार आए, ऐसे करते करते कितने बार सक्सेस आए, 50 के 50 बार आए। इसको मैं लिख सकता हूँ 1-, यहाँ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आता तो इसे लिखता x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1,
इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, चलिए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब 50 में एक भी सक्सेस नहीं आया, तो 50 से जीरो सक्सेस इज 1/100 पावर आपका है जीरो और फेलियर आपका है 99/100 का पावर ये है 50। फिर एक सक्सेस आए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूँ, तो दिस इज 1/2 इंटू 99/100 का पावर 49। अब ये आपका बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से हम देख रहे हैं 99/100 का पावर 49 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा ना। अब यहाँ पे 50 सी 01 ये भी 1, यहाँ पे आया 99/100 और ये आपका 1/2। चलिए अब ये आपका हो जाएगा 50 प्लस 99 149, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 149/100 इंटू 99/100 raised to power 49। ये आपका एटलीस्ट 2 times सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 11 पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ अ डाई, तो डाइस को कितनी बार फेंका गया, 7 बार, जिसमें से 5 आना इज सक्सेस। तो 5 एक डाइस को फेंकते हैं, 5 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 out of 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक ही बार आ सकता है। तो फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी 1 minus 1/6 इज 5/6। यहाँ बोला गया एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार सक्सेस चाहिए, तो एग्जैक्टली ट्वाइस का आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिख सकते हैं इसे 7c2। अब सक्सेस का पावर कितना है 2, फिर फेलियर का पावर 7 minus 2 is 5। 7c2 को मैं लिख सकता हूँ (factorial 7 by factorial 2 factorial 5), फिर यहाँ पे है 5 power 5 और डिनोमिनेटर में 6 का पावर आपका 7। चलिए ये हुआ 6 into 7 और 6 into 7 आपका हो जाएगा 21, 2 से कट करके, तो 2 21 into ये हुआ 5 का पावर 5 divided by 6 का पावर 7। मैं इसको लिख सकता हूँ 21/6 into 5/6 का पावर, ये हो गया मेरा है ना, यहाँ से 36 निकाल लीजिए 2 6, तो क्या हो जाएगा 5/6 का पावर 5 आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 जा नीचे आया 12 into 5/6 का पावर 5, तो आप इसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में भी रख सकते हैं जो आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 sixes in 6 throws ऑफ अ सिंगल डाई, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डाई कितनी बार फेंका गया, 6 बार, जिसमें से 6 आना इज सक्सेस। तो 6 आना सक्सेस है, तो 6 1 से 6 में एक ही बार आता है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 minus 1/6 is 5/6। यहाँ पे बोला गया एट मोस्ट टू सक्सेस ही चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सक्सेस मतलब या तो 0 सक्सेस आ जाए, या फिर आपका 1 सक्सेस आ जाए, या फिर आपके 2 सक्सेस आ जाए। चलिए अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका 6 बार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 0 सक्सेस आना, तो ये हो जाएगा 1/6 का पावर 0 and 5/6 का पावर, दिस इज 6 minus 0। सिमिलर वे में दिस इज 6c1, फिर है आपका 1/6 का पावर 1, फिर 5/6 का पावर 6 minus 1 is 5, फिर आपका है 2 सक्सेस आना 6c2, 1/6 का पावर 2, फिर 5/6 का पावर 6 minus 2 is 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 power 4 कॉमन और 5/6 है ना का पावर 4 सब में से कॉमन आया, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/6 square आप सब में से कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 6 power 6 पूरा ही कॉमन निकाल लिया और 5 power 4 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आपका बचा हुआ है 5 power 2 ना, क्योंकि 5 power 4 आ गया 5 power, और ये दोनों 1 हो गया, फिर 61 है 6 into यहाँ पे 5 power 4 कॉमन चला गया, तो एक ही 5 बचा
वैसे यहाँ पे 5 का पावर 4 कॉमन चला गया और 6 फैक्टोरियल दिस इज बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. चलिए 5 इंटू 6 30 बाई 2 दिस इज 15. वैसे ये हो जाएगा मेरा प्लस 6 इंटू 5 इज 30 दिस इज 25. और यहाँ पे पड़ा है 1/36. यहाँ पे आपका 5/6 का पावर 4. इसको मैं लिख सकता हूँ 40+30 इज 70. 70/36 को हम लिख सकते हैं 35/18 पावर इंटू 5/6 का पावर 4. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन. यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट 13 पे. इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, है ना, लेट्स से परसेंटेज में दिया है. तो 100 में से आपके 10 आइटम लेट्स से डिफेक्टिव है, तो 90 आइटम्स आपके नॉन डिफेक्टिव हो गए. अब यहाँ पे बोला गया है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स, मतलब ट्रायल्स कितनी बार किया है, 12. यहाँ पे बोला है 9 आर डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए. तो डिफेक्टिव आना इज सक्सेस. तो यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो सक्सेस आपके डिफेक्टिव कितने हैं, 10 out of 100, विच इज 1/10. तो फेलियर आना इज 1 minus 1/10, विच इज मेरा 9/10. अब यहाँ लिखा है 9 डिफेक्टिव आइटम्स हो जाए, तो 9 डिफेक्टिव आइटम्स आउट ऑफ, है ना, आपका 12 ट्रायल्स. इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू 12c9. सक्सेस इज 1/10, पावर कितनी बार सक्सेस चाहिए, 9 बार. फिर फेलियर दैट इज 9/10, और कितनी बार फेलियर होगा, 12 minus 9. तो ये हुआ फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू, ये है आपका 9³ डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है मेरा 10 का पावर 12. 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल को काटेगा तो ये आया 10, 11 और फिर आया 12 डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर में आपका 3 फैक्टोरियल विच इज 6 और यहाँ पे है 9 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर पड़ा है 12. अब 10 पावर 12 को यहाँ से काटेगा तो ये आया 10 पावर 11 हो गया. यहाँ तो 10 पावर 11 हुआ और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये है 9 पावर 3. फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6³, है ना, 6 इसे 2 से काटा और 2 × 11 = 22. तो दिस इज 22 × 9³/10^11. ये है क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन. यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें. 14. इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव. द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव. तो यहाँ पे लिखा है 100 बल्ब्स में से 10 बल्ब्स डिफेक्टिव है, तो मेरे 90 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव. प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब्स सैंपल, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 5, नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव ना आए, 5 में से 0 डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 5c0. फिर सक्सेस किसे कह रहे हैं, डिफेक्टिव बल्ब आने को. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10. तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 minus 1/10 दैट इज 1 minus success, ये लिखा हुआ है आपका 9/10. तो फेलियर है ना की प्रोबेबिलिटी 9/10 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/10^0 और फेलियर 9/10, 5 minus 0 दैट इज 5. तो 5c01, 1/10^01, ये निकल के आया मेरा 9/10^5. देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए. तो 13.5 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5. देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर. तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, स्विमर को हम कह देते हैं सक्सेस, स्विमर आने को हम सक्सेस कह रहे हैं. तो लेट्स से ये हो जाएगा स्विमर, है ना, के होने की प्रोबेबिलिटी. नॉन स्विमर इज फेलियर और हमें नॉन स्विमर, नॉट अ स्विमर, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 1/5. तो स्विमर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 4/5. अब यहाँ पे बोला है आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 5, जिसमें कितने सक्सेस चाहिए, 4 सक्सेस. तो px इज इक्वल टू 4.
इसकी बात की जाए, पांच में चार स्विमर होने चाहिए, चार सक्सेस चाहिए, तो ये लिखा जाएगा आपका 5C4, फिर सक्सेस डैट इज 4/5 पावर, कितना सक्सेस 4 एंड 1/5 पावर 1। यहाँ से हम देख सकते हैं 5C4, 4/5 पावर 4, 1/5 पावर 1, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 13.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली ट्रायल। होप आपको वीडियो पसंद आया जरूर से वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।